Hello friends, welcome to Agri Talk Show. Let's welcome our today's guest. He is very very special. इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है, उसके बाद IPL के सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन दिया हुआ है, तो इनका नाम है मिस्टर अभिषेक रावत. सर वेलकम टू द शो. थैंक यू. तो सर सबसे पहले मैं रणजी ट्रॉफी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपके करियर महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, अभी आप प्रेजेंटली उड़ीसा से खेलते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई ऐसा कोई मेमोरेबल इनिंग्स हो जिसको आप याद करना चाहेंगे? जी ऑब्वियसली जो मेरा क्रिकेटिंग करियर है वो तो मैं महाराष्ट्र से स्टार्ट किया हूँ. आई हैव प्लेड एवरीथिंग फॉर महाराष्ट्र. मैंने अंडर 14 खेला हुआ है, अंडर 14 लीड भी किया, अंडर 16 खेला हूँ, अंडर 19 खेला हूँ, अंडर 22 खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी, T20 वनडेज, मतलब मैंने ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के लिए आई हैव प्लेड एवरीथिंग. और मेरे लिए तो सबसे मेमोरेबल महाराष्ट्र क्रिकेट में जब वही होगा जब हम लोग ऑल इंडिया कुछ बिहार चैंपियन हुए अंडर 19 अंडर माई कैप्टनशिप, तो वो मेरे लिए अभी सबसे मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र आई गेस पहली बार ऑल इंडिया चैंपियन हुआ था अंडर 19 कुछ बिहार में, और वो भी मेरे कैप्टनशिप के अंडर. तो इट वॉज द बेस्ट डे मेरा महाराष्ट्र के करियर में. सो राइट नाउ आई एम एंजॉइंग माई ओडिशा क्रिकेट राइट नाउ. ऐसा कोई मेमोरेबल इनिंग्स हो जो आपने काफी सेंचुरीज की है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से आपने टीम को निकाला है, ऐसा कोई इनिंग्स आपको याद करना है? एज ग्रुप में तो काफी है. एक जो अंडर 19 का रहेगा, जो साल हम लोग चैंपियन हुए थे, हम लोग के लिए एक डू और डाई मैच था वो हरियाणा के साथ, क्योंकि हमको वो आउटरेट विद बोनस जीतना था टू गेट क्वालिफाइड. तो वो मैच में मैंने 100 स्कोर किया था, 110 नॉट आउट था मैं. तो दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स, क्योंकि वो इनिंग्स में हमको एक बड़ा लीड मिला एंड वी वर एबल टू गेट देम आउट, और आउटरेट लेके हमने बोनस पॉइंट लिया. सो इट वाज वन ऑफ माय स्पेशल इनिंग्स इन अंडर 19. तो उसके बाद IPL में ऑक्शन हुए, फिर आपका जो सिलेक्शन हुआ राजस्थान रॉयल्स में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो जो पहला मैच था जो लिटिल कैमियो इनिंग्स था आपका KKR के अगेंस्ट में था, वो मैंने देखा था. वो इनिंग्स 21 रन्स का आपका ऑफ 13 बॉल्स आई थिंक, वो मैंने देखा था, वो इनिंग्स मुझे याद है. तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो भी शेन वॉन जैसे कैप्टन के अंडर खेलना. Absolutely. एक वन ऑफ माय स्पेशल डेज, स्पेशल इनिंग्स, क्योंकि IPL में खेलना एक बहुत बड़ी बात है, और अभी आप देख रही हैं कि हजारों लड़के IPL ऑक्शंस में दे आर पुशिंग इन ऑक्शंस में, ट्राई कर रहे हैं कि कोई उन्हें बिड करे, कोई ले ले. तो ऑब्वियसली IPL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडियन क्रिकेट के लिए. पहली बात, वो एक मेरे लिए बहुत स्पेशल इनिंग था, क्योंकि मेरा IPL डेब्यू था, वो भी साउथ अफ्रीका में, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन टू प्ले क्रिकेट. और पहली बात, जब मैं रूम में था, मतलब हम लोगों का प्रैक्टिस हो गया डे बिफोर द गेम, इवनिंग में हम लोगों का मीटिंग था, और शेन वॉन मेरे पास आया और मेरे को बोला, अभिषेक यू आर मेकिंग योर डेब्यू टुमारो. तो वहाँ पे मैं एक अलग ही लेवल पे चला गया. इट वाज लाइक वेरी स्पेशल, क्योंकि एज यू नो शेन वॉन इज़ अ लेजेंड, और उनके साथ में खेलना, उनके साथ एक ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो किसी के कोई भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है. और शेन वॉन के साथ में जब मैं खेल रहा था, इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर मी. फिर जब शेन वॉन मुझे आके स्पेशली बोलता है कि अभिषेक यू आर गोइंग टू डू योर डेब्यू टुमारो, स्टे फोकस्ड, एंजॉय एंड गिव यू 100%, डोंट टेक एन एक्स्ट्रा प्रेशर, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू. और ये जो लाइन था जो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, और उसने सीरियसली मीन किया, क्योंकि जितना दिन मैं राजस्थान के लिए खेला, ही वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी एंड ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. तो मेरे लाइफ में वो एक स्पेशल डे था उस दिन. और जब मैं KKR अगेंस्ट डेब्यू किया, और आई वॉज प्लेइंग अ फिनिशर रोल, मैं बैट कर रहा था अराउंड 7-8, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा बैटिंग लाइनअप था, यूसुफ था, जडेजा था, सो वी हैव डीप बैटिंग लाइनअप. तो आई वॉज बैटिंग 7-8, तो मुझे लगा नहीं कि मेरे को, पहली बार 20 ओवर का मैच है, मुझका बैटिंग तो आएगा नहीं, इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है. तो मैं मेरा रिलैक्स बैठा था, आई वॉज एंजॉइंग द IPL एटमोसफियर, इट वॉज क्राउड एवरीवेयर. At the young age, as a crowd, दिखना इतने बड़े stadium में इतने बड़े players के साथ रहना, it is a completely different level fun. मैं enjoy कर रहा था, पर suddenly देखा तो हम लोगों को wickets गिरने लगे, और मुझको लगा यार batting आ सकता है क्या, आज आ सकता है क्या. तो मैं फिर ऐसे देखा कि last के 2-3 over बचे, अभी तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है. और suddenly Shane Warne asked me to pad up, अभिषेक you are next. बोला यार 2-3 over बचा है,
काफी बड़े बड़े बॉलर है, अगरकर डाल रहा है, मैं तो इनको कभी खेला नहीं हूँ, तो फिर चलो मैंने बोला चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंजॉय द डे, इट्स माय फर्स्ट डे, जो जैसा तू खेल रहा है वैसे ही खुद की गेम को बैक कर, एंड शेन वॉन इज ऑलवेज बिहाइंड यू, जस्ट एंजॉय द डे। गया बैटिंग को और हार्डली वहाँ पे कुछ 10-15 बॉल बाकी थे, तो मैंने बोला यार यहाँ पे नथिंग टू लूज, जस्ट गो एंड एंजॉय योर गेम, एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, इट केम आउट वेरी लकीली। और वो जो 13 बॉल में 21 रन है वो, और एक स्पेशल चीज है कि मेरा पहला मैच है, डेब्यू मैच एक सुपर ओवर हुआ, दैट वाज अ सुपर ओवर गेम, और आईपीएल हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, स्कोर मेरे ख्याल से 150 था शायद, 150 पे 150 कुछ तो भी किया था हमने, बस हां टाई हो गया, और वो आईपीएल हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर है। यस, वो आईपीएल हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर है, और मेरा डेब्यू गेम वो भी साउथ अफ्रीका में एक सुपर ओवर था, आई एम सो लकी फॉर दैट। और वो स्पेशली वो जो 13 बॉल में जो 21 रन का शॉर्ट छोटा इनिंग था, सबके लिए ऐसा लगता है कि 21 रन ही तो किया, बट वो जो 21 रन है वो हमको सुपर ओवर तक लेके गया मैच, और सुपर ओवर में हमने वो जीता मैच, सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो वन ऑफ माय स्पेशल इनिंग्स में आ सकता है आईपीएल में, क्योंकि वहां पे टर्न अराउंड हुआ, हम मैच जीते, वो 21 रन हमको मैच विनिंग इनिंग हो गया मेरा, तो आई वाज सो हैप्पी दैट डे। ग्रेट इनिंग्स था सर, वो मैंने देखा हुआ है, अपने आंखों से देखा हुआ सर, तो मुझे भी लगा था कि मतलब आप में है वो चीज जो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब फ्री फ्लो इनिंग्स था, मतलब बैक ऑफ होके आपको लग नहीं रहा था कि आप डेब्यू कर रहे हो, मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग था उससे। जी जी, थैंक यू। आपका एक और इनिंग्स है डेकन चार्जर्स के अगेंस्ट में, 36 रन का था, जिसमें आप लोगों का स्कोर, आपका स्कोर जो था टीम का 3-3 हो गया था, तो वहां से आप लोगों ने पूरा मैच के स्कोर 142 तक लेके गए थे, वो बड़ा स्पेशल इनिंग्स था आपका, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो मेरे लिए और भी एकदम सरप्राइजिंग इनिंग था, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बोला, मेरा हम लोग का जो टीम का बैटिंग लाइनअप है काफी डीप है, और मैं बैटिंग करता हूँ 7-8 में, मुझे कर रहा था ऐसे फिनिशर को रोल दिया था शेन वॉन ने, और वी आर चेजिंग अगेंस्ट, वी आर चेजिंग सम 140-150 ऑड अगेंस्ट डेक्कन चार्जर्स, और बहुत अच्छा टीम था, गैडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू साइमन, रोहित शर्मा, फिडल एडवर्ड्स, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, चलो यार, और वो साल डेक्कन चार्जर्स चैंपियन हुआ, सो दे वर प्लेइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट, तो मैं तो बैठा था और सडनली हम लोग का दो तीन विकेट गिर गया, और शेन वॉन आके बोलता अभिषेक पैड अप, यू हैव टू बैट नंबर 5। अरे यार ये क्या हो गया, मैं कहाँ से किधर आ गया, मैं 6-7-7-8 नंबर पे था, फिनिशर था, पहले यूसुफ है मेरे, पहले बैटिंग को जाएगा मेरे, पहले जडेजा बैटिंग को जाएगा, मैं कैसे जा रहा हूँ, तो उसने बोलते अभिषेक पैड अप, यू आर गोइंग अर्ली, और मैं बैटिंग को चला गया, और फिर वहां से, बट ये मेरा एक मैं बचपन से वैसे ही खेलता हूँ, आई हैव दैट मेंटेलिटी टू बिल्ड द इनिंग्स, टू पुल द इनिंग्स, मेरा मैं बचपन से वैसे ही क्रिकेट खेला, क्योंकि मैं मोस्टली जो मिडल ऑर्डर में जो बैटिंग करता हूँ, मेरा लाइफ में हमेशा वैसा इनिंग ज़्यादा बनाया है कि इफ देयर इज अ कोलैप्स आई हैव टू बिल्ड द इनिंग्स एंड आई हैव टू पुल द टीम अवे फ्रॉम देयर, तो ये हमेशा से मेरा कल्चर, मैं मेरा नेचर ही हो गया बैटिंग में, और फॉर्चुनेटली कि उस टाइम पे वैसा ही इनिंग आया, और इतने बड़े स्टेज पे, कि यहाँ फिर मैंने सोचा कि अरे अभिषेक ये तो तेरा चेरी ऑन द टॉप हो गया, तू इसी ऐसे ये इनिंग्स के लिए तू हमेशा से प्रैक्टिस किया हुआ है, तू खेलता ही आया, तेरा नेचर ही है, तो ये तो बेस्ट टाइम है, यू कैन बिल्ड, तुझे इधर कुछ अलग करना ही नहीं है तेरा नेचर के अगेंस्ट, इट्स कम्प्लीटली ऑन योर नेचर, जस्ट गो एंड बिल्ड योर इनिंग्स। तो वहाँ पे मैंने मेरा इनिंग बिल्ड किया, और फिर वापस बीच में कोलैप्स हुआ, 2-3 विकेट गिर गया, बट वहाँ पे यूसुफ आया, और यूसुफ पठान आया तो मुझे पता था कि ये भैया यहाँ पे है, इनके तो बैट को 2-3 लग गया तो मैच इधर से आधे से इधर उधर हो जाएगा, कुछ चिंता करने की बात नहीं, अभिषेक तू एक एंड पकड़ा रहे, यूसुफ भाई आके वहाँ पे इनिंग बराबर कुछ ना कुछ करेंगे, और यूसुफ भाई ने एग्जैक्टली वही किया, 10 बॉल में कुछ 24-25 मार दिया उन्होंने, 10 बॉल में 24-25 मार दिया, वो आउट हो गए, बट वो 10 बॉल में 24-25 में मोमेंटम इतना अच्छा इधर से उधर हो गया, रन रेट बहुत नीचे हो गया, तो मैंने मेरा इनिंग बिल्ड कंटिन्यू किया, मुझे शेन वॉन से भी स्पेशल मैसेज वही आया कि अभिषेक यू हैव टू कीप गोइंग द सेम वे, वी हैव फिनिशर्स, वी हैव हार्ड हिटर्स, देयर इज यूसुफ, देयर इज जडेजा, डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव टू कीप बिल्डिंग द इनिंग्स, यू स्टे देयर टिल द एंड, बिकॉज यू हैव सेंट फॉर दैट पर्पज ओनली। मैं बहुत खुश हो गया, ये मेरा इनिंग का टाइम है, मैं यहाँ से इनिंग बिल्ड कर रहा हूँ, जैसे यूसुफ भाई है, जडेजा है,
मैं मेरा इनिंग चालू रखूंगा, और फॉर्चुनेटली वो सब कुछ सही हो गया और लास्ट में मैंने वो फिनिशिंग रोल निभाया। और लास्ट में एक्चुअली कुछ मेरे को याद नहीं, लास्ट ओवर में कुछ तो भी रन लग रहे थे और मेरे साथ एक प्लेयर थे, वो उनको नाम याद नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे, उन्होंने पहला मुझे ब्रेक ओवर के बीच में बोला कि ओवर के स्टार्ट होने के पहले कि अभिषेक अगर मैं बीट होऊंगा तो तू भागोगे क्या? मैंने बोला कुछ जरूरत नहीं है, पहला बॉल आप उनको स्टिकर्स बुलाते थे, इनका निकनेम था, उन्होंने मैंने बोला पहला बॉल चिंता मत कर, आप गो फॉर इट, हार्ड हिट जो जो भी है जिंदा बिंदास जाओ, क्योंकि इट्स हार्डली दो रन की बात, गो फॉर इट, दो एक बॉल लग गया चला जाएगा। पहला बॉल मिस हुए, दूसरा बॉल मिस हुए, तीसरा बॉल मिस हुए, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब ये बॉल पे मैं भागने वाला हूँ, आप चिंता मत करो, ये बॉल पे मैं भागने वाला हूँ, बॉल लगे ना लगे आप भाग जाना इस बॉल, कुछ चिंता मत करो। और वो बॉल वो मिस हो गया और मैं भाग गया, तो वहां पे हो गया, फिर दो बॉल में एक रन था, तो उसके बाद एक बॉल मैंने मिस किया और लास्ट बॉल पे एक बॉल एक रन था, एंड आई हिट इट टुवर्ड्स मिड ऑफ और मैं भाग गया, और फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वेंट माय वे, सो वहां से मैं मैच जीता, दैट वाज अ स्पेशल इनिंग फॉर मी, ट्रू, यस, बिल्कुल ग्रेट इनिंग्स थे। तो सर अभी जो सीजन अभी रणजी ट्रॉफी का है, रणजी ट्रॉफी की तैयारी कैसे चल रही है और आगे क्या सोचा हुआ है आपने? रणजी ट्रॉफी का तैयारी तो अच्छा खासा हुआ है हमारा, बट बीच में जो ब्रेक हो गया वहाँ पे थोड़ा हम लोगों का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि रणजी ट्रॉफी जो जैन 13 तारीख स्टार्ट होने वाला था कोविड सिचुएशन के लिए थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, तो अच्छा खासा गैप हुआ, बट इंडिविजुअल प्रिपरेशन चालू ही थे सबके, मेरा भी चालू था, सो आई एम प्रिपेयर्ड वेल, आई एम इन अ वेरी गुड टच। मेरा ये साल विजय हजारे शहीद मुश्ताक के लिए बहुत अच्छा गया है, आई हैव बीन द टॉप टू ऑलराउंडर्स इन शहीद मुश्ताक के लिए इंडिया में ये साल, और इसीलिए मेरा ऑप्शन में नाम भी है ये साल, फॉर्चुनेटली गॉड ग्रेस सब कुछ अच्छा है तो मेरा नाम थोड़ी देर में अनाउंस भी हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो, और ये साल मेरा विजय हजारे वन डेज भी बहुत अच्छा गया है, सो आई हैव बीन इन अ गुड टच, फिंगर्स क्रॉस अब अच्छा जा रहा है, होप मेरा रणजी ट्रॉफी भी अच्छा ही जाए। ग्रेट सर, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, ये जो आपने इनिंग्स के बारे में बताया कि कैप्टन क्या बोलते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, बॉल बाय बॉल आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब क्योंकि हम एज अ जनरल पब्लिक हमारे मन में भी यही क्यूरियोसिटी रहता है कि आप जैसे बैटिंग करो तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये दोनों बैट्समैन जो बात करते हैं तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, तो जानने के लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे बातें करते हैं, हम भी ऐसे ही अपने दोस्तों में बात करते हैं कि शायद इन लोगों ने ऐसे ही बात किया होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूंगा, आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स लेके आऊंगा, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सर बिफोर लिविंग विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर असाइनमेंट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।